बात एक ऐसी खबर की जो बड़ी रोचक भी है और दिलचस्प भी है। आपको ये खबर हैरत में डालेगी। हालांकि मामला उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली का है। बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच चल रही गिरफ्तारी, आरोप और प्रत्यारोप का है। जिस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उस शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई से एक बहुत रोचक किस्सा और संयोग जुड़ा है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। मीडिया में ये चीज़ कहीं आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि मीडिया में जितनी चर्चा हुई वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हुई, घोटाले पर हुई, लेकिन आज इस घोटाले और गिरफ्तारी के अतिरिक्त हम एक संयोग के बारे में आपको बताएंगे जिसमें एक दोस्त को अपने फर्ज के आगे मजबूर होना पड़ा है। यानी कि एक दोस्त को अपने ही दोस्त पर कार्रवाई करनी पड़ी है, उसको गिरफ्तार करना पड़ा है। ये संयोग है ईडी के वर्तमान डायरेक्टर राहुल नवीन का। राहुल नवीन इस समय ईडी के डायरेक्टर हैं और वो अरविंद केजरीवाल के एक जमाने में बड़े गहरे दोस्त थे। अरविंद केजरीवाल भी आईआरएस अफसर रहे हैं और राहुल नवीन 1993 बैच के हैं, अरविंद केजरीवाल 1993 के हैं और सुनीता उनकी पत्नी भी 1993 बैच की आईआरएस अफसर हैं। ये तीनों एक बैच के आईआरएस अफसर हैं 1993 बैच के। हालांकि केजरीवाल 1992 में ही सेलेक्ट हो गए थे, लेकिन वो ट्रेनिंग उन्होंने 93 में स्टार्ट की। तब राहुल नवीन जो ईडी के डायरेक्टर हैं इस समय, केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल, इन तीनों ने एक साथ ट्रेनिंग की और नौकरी शुरू की। ट्रेनिंग के दौरान इन तीनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन आप इसे कर्तव्य कहें या मजबूरी कहें, आज उसी राहुल नवीन को अपने उस बैचमेट अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा जिनके साथ कभी वह ट्रेनिंग करते थे, एक थाली में खाते थे, घंटों बतियाते थे, घूमते फिरते थे, खाते पीते थे। है ना हैरत और अचरज भरी बात। आपको ये भी बता दूं कि राहुल नवीन जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं और पिछले 16 सितंबर को 2023 में सरकार ने उन्हें ईडी का नया निदेशक नियुक्त किया है। राहुल नवीन इससे पहले ईडी में ही स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। अब किस्सा आपको पुराना सुनाते हैं कि 1993 में जब सिलेक्शन होने के बाद आईआरएस का बैच मसूरी एकेडमी ट्रेनिंग करने फाउंडेशन कोर्स की पहुंचा, तो उसमें राहुल नवीन, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल एक साथ थे। यहां पर इन लोगों ने 18 हफ्ते तक एक साथ मसूरी लबसना में आईएएस अफसर भी जहां ट्रेनिंग करते हैं वहां 18 सप्ताह तक ट्रेनिंग हासिल की। इसके बाद पूरा बैच नागपुर इनकम टैक्स एकेडमी पहुंचा और 1994 से जनवरी के मार्च 1995 तक यानी 1.25 साल तक एक साथ सुनीता, अरविंद और राहुल नवीन इन तीनों ने नागपुर में ट्रेनिंग की और उसके बाद ये लोग अपनी नौकरी पर निकले। लेकिन आप इसे किस्मत का खेल देखिए कि जो कल तलक दोस्त थे, ट्रेनिंग में एक साथ एक थाली में खाते थे, आज उसी एक दोस्त को अपने एक दोस्त को गिरफ्तार करना पड़ा और कितने करीब 25 साल बाद। केजरीवाल ने 2006 में नौकरी छोड़ दी थी, वो राजनीति में कूद गए थे। जिस समय अरविंद केजरीवाल ने नौकरी छोड़ी उस समय वो दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स के पद पर तैनात थे और इसी साल उन्हें दुनिया का बहुत प्रसिद्ध रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। लेकिन आप देखिए कि जिसे इतना बड़ा दुनिया के अवार्ड मिला वो आज जेल में है। 2006 में नौकरी छोड़ने के बाद केजरीवाल आंदोलन में कूद गए और वो लगातार बुलंदियों की ओर बढ़ते गए, बुलंदियों को छूते गए। 2012 में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री निर्वाचित हो गए और उसी समय उनकी पत्नी सुनीता ने भी
फिर नौकरी से वीआरएस ले लिया। इसी बीच राहुल नवीन भी अपनी नौकरी को आगे बढ़ाते रहे और ईडी में आ गए, ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए। 18 साल बाद एक दोस्त उस जांच एजेंसी का मुखिया बन गया जिसने केजरीवाल की जांच शराब घोटाले की जारी रखी थी, और फिर उसी दोस्त के हाथों केजरीवाल को गिरफ्तार होना पड़ा। लेकिन देश के बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि ये तीनों 1993 बैच के आईआरएस अफसर हैं, भारतीय रेवेन्यू सेवा के अफसर हैं। सब किस्मत और भाग्य का खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आदमी को अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, अपनी खुददारी से, अपनी मेहनत से। ऊपर वाला जो ईमानदार होता है, जो मेहनती होता है, उसका सम्मान हमेशा औरों से अलग रखता है। आज मुनव्वर राना के एक शेर के साथ हम आपका समापन करेंगे, सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। कि वो मुझे जुर्रते इजहार से पहचानता है, मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। कोई दुख हो कभी कहना नहीं पड़ता उससे, वो जरूरत को तलबगार से पहचानता है, और शहर वाकिफ है मेरे फन की बदौलत मुझसे, आपको तो जुगो दस्तार से पहचानता है। नमस्कार। दादी का किचन महके